जयपुर जिला कलेक्टर ने जयपुर जिला कलेक्टर ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोकथाम के लिए बनाई रणनीति। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में टास्क फोर्स के जरिए माइक्रो एक्शन प्लान किया तैयार। बीकानेर में राष्ट्रीय औष्ठ अनुसंधान केंद्र में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। केंद्र निदेशक ने अनुसंधान के साथ इको पर्यटन बढ़ाने के प्रयासों पर साझा की कार्य योजना। राज्य की नव नियुक्त महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज पहुंची दो दिवसीय चूरू दौरे पर। सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात कर अभाव अभियोग सुने। कांग्रेस विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे सीकर दौरे पर। पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने का जताया आभार। एसीबी महानिदेशक बीएल सोनी रहे जैसलमेर दौरे पर। बैठक लेकर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर जताई प्रतिबद्धता। झालावाड़ जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन और स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक की आयोजित। हर घर नल से जल पहुंचाने पर की विस्तार से चर्चा। श्री गंगानगर में राजकीय कन्या महाविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई संगोष्ठी। संगोष्ठी में असम की संस्कृति पर हुआ व्याख्यान। जयपुर हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर ने इलाके की सफाई व्यवस्थाओं का लिया जायजा। लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। चित्तौड़गढ़ में पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत नौनिहाल बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। घर घर पहुंचकर पिलाई जा रही है दवा। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिखाई फिर प्रतिबद्धता। सौर ऊर्जा के माध्यम से 5 करोड़ रुपए के राजस्व बचत के लक्ष्य को किया अर्जित। धौलपुर जिले में भी 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का हुआ शुभारंभ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पात्र बच्चों को खुराक पिलाकर अभियान का किया आगाज। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने गौशाला पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। गौवंश के चारे पानी की व्यवस्था के साथ समुचित चिकित्सकीय सहायता दुरुस्त करने के दिए निर्देश। बारा जिला कलेक्टर ने मिनी सचिवालय सभागार में बैठक में मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। विभिन्न अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा भी की। राजस्थान विधानसभा के सहायक सचिव हुए सेवानिवृत्त। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से किया गया स्मृति चिन्ह भेंट। और जोधपुर में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित किया गया विशाल रक्तदान शिविर। युवाओं और महिलाओं ने रक्तदान में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा।